नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योग आश्रम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुखदेव मुनि से जुड़ी हुई कथा के बारे में जानेंगे। सुखदेव महर्षि वेदव्यास के पुत्र हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेकों प्रकार की कथाएं मिलती हैं। महर्षि वेदव्यास ने यह संकल्प करके कि पृथ्वी, जल, वायु और आकाश की भांति धैर्यशाली तथा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो, गौरी शंकर की विहार स्थली सुमेरु श्रृंग पर घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने वैसा ही पुत्र होने का वर दिया। यद्यपि भगवान के अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की इच्छा और दृष्टि मात्र से कई महापुरुषों का जन्म हो सकता था और हुआ है, तथापि अपने ज्ञान और सदाचार के धारण करने योग्य संतान उत्पन्न करने के लिए और संसार में किस प्रकार के संतान की सृष्टि करनी चाहिए, यह बात बताने के लिए ही उन्होंने तपस्या की होगी। सुखदेव की महिमा का वर्णन करते समय इतना स्मरण हो जाना कि वे वेदव्यास के तपस्या जनित पुत्र है, उनकी महत्व की असीमता सामने ला देता है। एक दिन वे अरणि मंथन कर रहे थे, उसी समय घृताची अप्सरा वहां आ गई। संयोग ही ऐसा था, या यो कहे कि यही बात होने वाली थी, उनका वीर्य अरणि में ही गिर पड़ा, उसी से सुखदेव का जन्म हुआ। उनके शरीर से निर्धूम अग्नि की भांति निर्मल ज्योति फैल रही थी। वे उस समय 12 वर्ष के बालक की भांति थे। स्त्री रूप धारण करके गंगा जी वहां आई। बालक को उन्होंने स्नान कराया। आकाश से काला मृगचर्म और दंड आया। गंधर्व, अप्सरा, विद्याधर आदि गाने बजाने और नाचने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सारा संसार आनंद मग्न हो गया। भगवान शंकर और पार्वती ने स्वयं पधार कर उसी समय उनका उपनयन संस्कार कराया। उसी समय सारे वेद, उपनिषद, इतिहास आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। अब वे ब्रह्मचारी होकर तपस्या करने लगे। उनकी प्रवृत्ति धर्म, अर्थ और काम की ओर ना थी, वे केवल मोक्ष का ही विचार करते रहते थे। उन्होंने एक दिन अपने पिता व्यासदेव से के पास आकर बड़ी नम्रता के साथ मोक्ष के संबंध में बहुत से प्रश्न किए। उत्तर में व्यासदेव ने बड़े ही वैराग्यपूर्ण उपदेश दिए, यथा, बेटा, धर्म का सेवन करो, यम नियम तथा देवी संपत्तियों का आश्रय लो। यह शरीर पानी के बुलबुले के समान है, आज है तो कल नहीं, क्या पता किस समय इसका नाश हो जाए। इसमें आसक्त होकर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। दिन बीते जा रहे हैं, क्षण क्षण आयु छीज रही है, एक एक पल की गिनती की जा रही है। तुम्हारे शत्रु सावधान हैं, तुम्हें नष्ट कर डालने का मौका ढूंढ रहे हैं। अभी अभी इस संसार की ओर से अपना मुंह मोड़ दो, अपने जीवन की गति उस ओर कर दो जहां इनकी पहुंच नहीं है। संसार में वे ही महात्मा सुखी है जिन्होंने वैदिक मार्ग पर चलकर धर्म का सेवन करके परम तत्व की उपलब्धि की है। उनकी सेवा करो और वास्तविक शांति प्राप्त करने का उपाय जानकर उस पर आरूढ़ हो जाओ। दुष्टों की संगति कभी मत करो, वे पतन के गड्ढे में ढकेल देते हैं। वीरता के साथ काम क्रोध आदि शत्रुओं से बचो और धीरता के साथ आगे बढ़ो। तुम्हें कोई तुम्हारे मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। परमात्मा तुम्हारा सहायक है, वह तुम्हारी शुभेच्छा और सच्चाई को जानता है। बेटा, मैं तुम्हारा अधिकार जानता हूँ। तुम तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए मिथिला के नरपति जनक के पास जाओ।
वे तुम्हारे संदेह को दूर कर स्वरूप बोध करा देंगे। तुम जिज्ञासु हो, बड़ी नम्रता के साथ उनके पास जाना, परीक्षा का भाव मत रखना, घमंड मत करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। मनुष्य मार्ग से पैदल तितिक्षा करते हुए ही जाना उचित है। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके सुखदेव जी महाराज कई वर्ष में अनेकों प्रकार के कष्ट सहन करते हुए मिथिला में पहुँचे। द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, परंतु उनकी ज्वाज्वल्यमान ज्योति को देखकर और तिरस्कार की दशा में भी पूर्ववत प्रसन्न देखकर एक ने उनके पास आकर बड़ी अभ्यर्थना की। वह उन्हें बड़े सत्कार से अंदर ले गया। मंत्री ने उन्हें एक ऐसे स्थान पर ठहराया जहां भोग की अनेकों वस्तुएं थीं। उनकी सेवा में बहुत सी सुंदर स्त्रियां लगा दी, परंतु वे विचलित नहीं हुए। सुख दुखशीत उष्ण में एक से रहने वाले सुख को उन्हें देखकर कुछ भी हर्ष शोक नहीं हुआ। ब्रह्म चिंतन में संलग्न रहकर उन्होंने इस प्रकार वह दिन और रात्रि बिता दी। दूसरे दिन प्रातःकाल जनक ने आकर उनकी विधिवत पूजा अर्चना की। कुशल मंगल के पश्चात सुखदेव ने अपने आने का प्रयोजन बतलाया और प्रश्न किया। जनक ने उनके अधिकार की प्रशंसा करके कहा, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता और बिना गुरु संबंध के ज्ञान नहीं होता। इस भवसागर से पार करने के लिए गुरु ही कर्णधार है। ज्ञान से ही कृतकृत्यता प्राप्त होती है, फिर तो सभी मार्ग स्वयं समाप्त हो जाते हैं। लोक मर्यादा और कर्म मर्यादा का उच्छेद ना हो, इसी के लिए वर्णाश्रम धर्म का सेवन आवश्यक कहा गया है। इनके आश्रय से क्रमशः आगे बढ़ते चले तो अंत में पाप पुण्य से परे की गति प्राप्त हो जाती है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए वर्णाश्रम धर्म की बड़ी आवश्यकता है, जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व की उपलब्धि हो जाए, उसे और आश्रमों का कोई प्रयोजन नहीं है। तामसिकता और राजसिकता छोड़कर सात्विकता का आश्रय लेना चाहिए। धीरे धीरे बहिर्मुखता का त्याग करके अंतर्मुखता का संपादन करना ही साधना का सच्चा स्वरूप है। जो पुरुष सब प्राणियों में अपने आत्मा और अपने आत्मा में समस्त प्राणियों का दर्शन करते हैं, वे पाप पुण्य से निर्लेप हो जाते हैं। जिसे किसी का भय नहीं है, जो किसी को भय नहीं पहुंचाता, जिसे ना राग है ना द्वेष है, वही ब्रह्म संपन्न होता है। जब जीव मन वाणी और कर्म से किसी का अनिष्ट नहीं करता, काम क्रोध ईर्ष्या असूया आदि मनोमलों का त्याग कर देता है, दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण शीत उष्ण निंदा स्तुति आदि द्वंद्वों में समान दृष्टि रखने लगता है, तब ब्रह्म संपन्न हो जाता है। सुखदेव से ये सभी बातें और अनन्या समस्त सद्गुण तुम में प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें समस्त ज्ञातव्य बातों का ज्ञान है। तुम विषयों के परे पहुँच चुके हो, तुम्हें विज्ञान प्राप्त है, तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, तुम ब्रह्म में स्थित हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो, और क्या कहूँ। जनक का उपदेश सुनकर सुखदेव को बड़ा आनंद हुआ। उनसे विदा होकर वे हिमालय पर अपने पिता व्यास जी के आश्रम पर लौट आए। इनकी उत्पत्ति की एक ऐसी कथा भी है कि व्यास की एक वाटिका नाम की पत्नी थी। उन्होंने व्यास देव की अनुमति से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर शंकर ने वर दिया कि तुम्हें एक बड़ा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। समय पर गर्भ स्थिति हुई, परंतु 12 वर्ष हो गए, प्रसव नहीं हुआ। वह गर्भस्थ शिशु बातचीत भी करता था। इतना ही नहीं, उसने गर्भ में ही वेद उपनिषद
दर्शन, इतिहास, पुराण आदि का सम्यक ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। अब व्यासदेव ने बालक से बड़ी प्रार्थना की कि गर्भ से बाहर निकल आओ, परंतु उन्होंने यह कहकर गर्भ से बाहर आना अस्वीकार कर दिया कि मैंने अब तक अनेक योनियों में जन्म ग्रहण किया है, बहुत भटक चुका हूँ, अब बाहर ना निकलकर यहीं भजन करने का विचार है। व्यासदेव ने कहा, तुम नरक रूप इस गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम माया के चक्कर में ना पड़ोगे, योग का आश्रय लो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा मुख देखकर मैं भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, अन्यथा तुम्हारी माँ मर जाएंगी। माँ के मरने की बात सुनकर सुखदेव को दया आ गई, उनका कोमल हृदय पिघल उठा। उन्होंने कहा, यदि श्री कृष्ण आकर तुम्हारी बातों का समर्थन करे तो मैं निकल सकता हूँ। इसी बहाने उन्होंने जन्म के समय ही अपने पास श्री कृष्ण को बुला लिया। व्यास की प्रार्थना से श्री कृष्ण ने आकर कहा कि गर्भ से निकल आओ, मैं इस बात का साक्षी हूँ कि माया तुम पर कारगर नहीं होगी। वे गर्भ से निकल आए। उस समय उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। जन्मते ही श्री कृष्ण माँ और पिता को नमस्कार करके उन्होंने जंगल की यात्रा की। उनके श्याम वर्ण के सुगठित, सुकुमार और सुंदर शरीर को देखकर व्यासदेव मोहित हो गए। उन्होंने बड़ी चेष्टा की, बहुत समझाया कि तुम मेरे पास ही रहो, परंतु सुखदेव ने एक ना मानी। उस समय का पिता पुत्र संवाद स्कंद पुराण की एक अमूल्य वस्तु है। प्रत्येक विरक्त को उनका मनन करना चाहिए। अंततः वे विरक्त होकर चले ही गए। एक दूसरी कथा इस प्रकार आती है कि एक समय पार्वती ने जिज्ञासा की कि प्रभो, आप मुझे श्री कृष्ण संबंधी कथा सुनावे, क्योंकि आप उन्हीं का स्मरण चिंतन निरंतर किया करते हैं। महादेव ने कहा, बड़ी गोपनीय बात है, देख लो कहीं दूसरा तो कोई नहीं है। पार्वती ने देखकर कहा, कह दिया, हाँ कोई नहीं है, वहाँ एक तोते का सड़ा हुआ अंडा अवश्य पड़ा था, परंतु वह मर गया था। इससे पार्वती ने उसकी चर्चा ही नहीं की। महादेव ने कहा, अच्छा हुंकारी भरती जाना। वे कहने लगे, दशम स्कंद तक तो वे सुनती गई और स्वीकारोक्ति ओम का उच्चारण भी करती गई, परंतु अंत में उन्हें नींद आ गई। अब तक वह तोते का अंडा भगवतामृत का पान करके जीवित हो उठा था। पार्वती को निद्रित देकर उसने हुंकारी भरनी शुरू की। अंत में जब पार्वती की नींद का पता चला, तब महादेव ने उस सुख का पीछा किया। वह भागकर व्यासदेव के आश्रम पर आया और उनके मुख में घुस गया। महादेव के लौटने पर फिर यही सुख वासुदेव व्यासदेव के अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार अनेकों कथाएं आती है, ये सभी सत्य है, स्वयं व्यासदेव की लिखी है और कल्प भेद से संभव भी है। उनका जीवन विरक्तिमय था, वे निर्गुण में पूर्णतः परिनिष्ठित थे, व्यास से अलग ही विचरते रहते थे। गांवों में केवल गौ दुहने के समय जाते और उतने ही समय तक वहां रहते। अपने को सर्वदा गुप्त रखते। व्यास जी की इच्छा थी कि ये मेरे पास आते और मेरे जीवन की परम निधि भागवत संहिता का अध्ययन करते, परंतु वे मिलते ही ना थे। व्यासदेव ने भागवत का एक अत्युत्तम श्लोक अपने विद्यार्थियों को रटा दिया था। वे उनका गायन करते हुए जंगलों में समीधा लाने जाया करते थे। एक दिन उसे सुखदेव ने भी सुना। श्री कृष्ण की लीला ने उन्हें खींच ही लिया। वे निर्गुण निष्ठ होने पर भी भगवान के गुणों में रम गए। उन्होंने 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया। अब वे मन ही मन उन्हें गुनगुनाते हुए विचरने लगे। इसी परमहंस संहिता का
वक्ताः, उन्होंने महाराज परीक्षित को सुनाया था। इस भगवत वक्ता परम भागवत सुखदेव के पास प्रायः बड़े बड़े ऋषि आया करते थे। नारदीय पुराण में सनत कुमार के और महाभारत में नारद के आने की चर्चा आई है। उनके आने पर सुखदेव बड़े प्रेम से उनकी पूजा करते और उनसे प्रश्न करके तत्व की बात सुनते। एक बार इंद्र ने इनकी तपस्या और त्याग देखकर रंभा आदि अप्सराओं को विघ्न करने के लिए भेजा। उस समय सुखदेव इस प्रकार समाधिमग्न हो गए कि उन्हें पता ही ना चला कि यहाँ अप्सरा वसंत काम आदि विघ्न करने आए हैं। बहुत समय बाद समाधि खुलने पर रंभा ने बड़ी चेष्टा की, बहुत फुसलाया, परंतु वे विचलित ना हुए, वह लजा कर चली गई। स्थूल शरीर के कारण होने वाले विक्षेपों का विचार करके उन्होंने ब्रह्म होकर ही रहने का निश्चय किया। उस समय त्रिलोकी के सभी प्राणियों ने उनकी पूजा की। व्यासदेव पुत्र का यह विचार सुनकर शोकाकुल हो उठने उनके पीछे पीछे दौड़े। सुखदेव ने अपनी पहले की आज्ञा कर रखी थी, इसीलिए वृक्षों ने व्यासदेव को समझाने की बहुत कुछ चेष्टा की, पर वे आगे बढ़ते ही गए। एक सरोवर में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। वे सुखदेव के सामने ज्यों की त्यों खड़ी रही, किंतु व्यास को देखकर वस्त्र पहनने लगी। इस पर व्यास ने पूछा कि सुखदेव को देखकर तो तुम स्नान करती ही रह गई, मुझे देखकर क्यों निकल आई? अप्सराओं ने बताया कि अभी तुम्हारी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, परंतु तुम्हारे पुत्र सुखदेव को नहीं है। यह सुनकर व्यास पुत्र की महिमा से प्रसन्न और अपनी कमजोरी से लज्जित हो गए। उनके शोक को देखकर स्वयं महादेव जी ने पधारकर उन्हें समझाया कि मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें ऐसा महत्वशाली पुत्र दिया, उसे परम गति प्राप्त हुई है, उसकी कीर्ति अक्षय है। यह कहकर महादेव ने उन्हें एक छायाशुक दिया। व्यासदेव ने उन्हें छायाशुक को लेकर संतोष किया और अब भी वे निरंतर अपने पुत्र को देखा करते हैं। सुखदेव ब्रह्मभूत हो गए और या छायाशुक के रूप में विद्यमान हो, कम से कम यह बात अधिकार के साथ कही जा सकती है कि वे अब भी है और अधिकारी पुरुषों को दर्शन देकर उपदेश भी करते हैं। चरणदास के जीवन में यह घटना प्रत्यक्ष घटी है। कहीं कहीं इनकी एक पीवरी नामक की स्त्री और कृष्ण गौरप्रभ आदि तीन चार संतानों का भी वर्णन आता है। तो इस प्रकार हमने सुखदेव जी से जुड़ी हुई कथा के बारे में जाना। अगले भाग में हम पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।